नमस्कार मित्रों, आपका अपना स्वागत है डिग्री नीरज सर। दोस्तों, नेट की वजह से मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट फैक्ट इंटरव्यू के लिए मैं नहीं दे सका, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि समस्या सबके पास थी, नेट बंद था, तो कहाँ से मैं आपको जो है प्रोवाइड कराऊं। बहुत सारे बच्चों ने फोन भी किया कि सर मैं आपके भरोसे हूँ, तो हमने कहा भाई वो तो ठीक है, लेकिन कुछ तो अपने आप करना ही पड़ेगा। ठीक, तो उसके आगे मैं आज कंटिन्यू करूंगा। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, इस वाले जो है वीडियो से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए हम समय को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, और एक चीज और, बीईओ की क्लासेस मैं आपको कंटिन्यू प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। शरदकालीन गन्ने की बुआई उत्तरी भारत में अक्टूबर माह में होती है। कब? अक्टूबर माह में उत्तरी भारत में होती है। आलू में 48 गुणसूत्र है, ये तो कॉमन बात है, आपको पता होगा। यूपी में गन्ना चीनी मिलों की संख्या 158 है। कितनी? 158। कहीं कहीं आपको 157 मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस समय जो है 158 है, आप इसको जो है ध्यान रखना। ठीक, गन्ने में सुक्रोज की मात्रा 13-24% होती है। कितनी? सुक्रोज की मात्रा जो है 13-24% होती है। देश में कार्यरत चीनी मिलों की संख्या मार्च 2017 तक 724 थी। देश में 724 थी, इनमें से 480 मिले संचालित है, 244 मिले बंद थी। ठीक, महाराष्ट्र में चीनी मिलों की संख्या 243 है। ध्यान रखना, महाराष्ट्र में 243 है, यूपी में 158 है, कर्नाटक में 78 है। महाराष्ट्र में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जन्म स्थान चीनी गन्ने का भारत में कुल ग्रैमली है। जलवायु उष्णकटिबंधीय है, तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वर्षा 100 से 180 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो मृदा होनी चाहिए वो है कॉप या दोमट, और रोग रेड्रॉट रोग बहुत फेमस है। ठीक, आगे देखो, चीनी खपत करने के में विश्व में पहला स्थान भारत का है। खपत करने में पहला स्थान इंडिया का है, ध्यान रखना। ठीक है, मई 2019 आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में भारत विश्व में चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान है। 2018-19 के अनुसार भारत जो है चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। 17-18 में जो है ब्राजील प्रथम स्थान पे था, 17-18 में ब्राजील प्रथम स्थान पे था, और 18-19 में भारत प्रथम स्थान पे है उत्पादन में भी और खपत में भी। ये पॉइंट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसको आप जरूर पढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको और अच्छे अच्छे पॉइंट आपको जो है प्रोवाइड करूंगा, और भगवान करे आपका जो है सिलेक्शन जितना मैं बताऊं उसी से हो जाए। और एक चीज और मैं बता दूं, बेसिक नॉलेज आपके लिए बहुत है। देखो, बहुत सारे जो है चैनलों पे बताया जाता है, मैं किसी चैनल की बुराई नहीं कर रहा हूं, बताया जाता है कि इंट्रो, भैया इंट्रो का जमाना खत्म हो गया। मैं आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन का जमाना खत्म हो गया। आप कक्षा 4-5 में नहीं पढ़ रहे हो कि भाई इंट्रो दो, कि कोई टीचर आपको पढ़ाने आ रहा है इंट्रो दो। ठीक है, इंट्रो नहीं होता है, अब डायरेक्ट पॉइंट से पॉइंट बात होती है, तो इंट्रो छोड़ो हो। ठीक, बहुत सारे जो इधर उधर की बातें करते हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है, आपके आसपास आपके वातावरण में क्या हो रहा है, इसके लिए जो है नॉलेज जरूरी है। मैं आपको बता दूं, आप देखो सारा जो चीजें हैं वो हेजिटेशन के ऊपर है। आप हेजिटेशन मत रखना, आराम से बैठना, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ सही होगा। ठीक है, और एक चीज, इंटरव्यू के लिए पीडीएफ बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। ठीक, जिसको इंटरव्यू की पीडीएफ अगर चाहिए, ठीक है, 73-79-82-33-68 7379-82-336 पर कॉल करके पीडीएफ के विषय में जानकारी ले सकता है, इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। ओके, नमस्कार, धन्यवाद, बाय।